So, hi ladies and gentlemen, welcome to Left, Right, Left Defense Channel. It's a new defense channel, always marching ahead, जहां पर हम फौज से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस आप लोगों के लेकर आएंगे. फिलहाल हमारी परमवीर चक्र स्टोरीज चल रही है, जिसके अंदर रिसेंटली एक लेसन अपलोड करा गया था जो कैप्टन विक्रम बत्रा पर था. कैप्टन विक्रम बत्रा सर को कैसे परमवीर चक्र मिला था, उनकी क्या स्टोरी थी, कब वो एकेडमी से पास आउट हुए थे, उनके पूरे जीवन काल और किस तरीके से उन्हें परमवीर चक्र मिला था उसमें बताया गया था. तो इस वाले इस चैनल के अंदर लेफ्ट राइट लेफ्ट यूट्यूब चैनल के अंदर हम आने वाले वक्त के अंदर आपकी जो डिफरेंट एग्जाम्स की नीड है उसको केटर करेंगे. उसके अलावा जो डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक है जो कई बार एकेडमिकली कवर नहीं करे जाते, हम उनको भी कवर करेंगे. तो अगर मैं इस चैनल की बात करूं तो दिस चैनल हैज बीन स्टार्टेड बाय टू पीपल. एक मैं हूं, जो आप फोटोग्राफ मुझे देख सकते हैं यहां पर, बैकग्राउंड में इंडियन मिलिट्री अकेडमी है. सो मेरा नाम संजय कुमार सिंह है. आई बीन पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अन अकेडमी पे आप सब बच्चे मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं. तो अगर आप अन अकेडमी पे मुझे इस लिंक पे फॉलो करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने फ्री कोर्सेज बनाए हुए हैं जो आपकी CDS AFCAD के एग्जाम की नीड्स को पूरा करेंगे. मेरे साथ एक और एजुकेटर भी हैं जो मेरे साथ चैनल में एसोसिएटेड है, उनका नाम है अभिषेक पांडे. उन्होंने यूपीएससी CDS CAPO और AFCAT एग्जाम बहुत बार क्लियर कराए. अन अकेडमी के बहुत ही फेमस एजुकेटर है वो, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं और इन्होंने भी बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी एजुकेटर लाइक हिम स्पेसिफिकली फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, और भी इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, तो यू कैन फॉलो बोथ ऑफ अस फॉर योर एग्जाम नीड्स अकेडमिक ओरिएंटेड कंटेंट के लिए, चाहे वो MCQs हो या डिफरेंट कोर्सेज हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से फॉलो अप कर सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन. आज के लेसन में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के पहले प्रथम इंडियन आर्मी ऑफिसर जिनको परमवीर चक्र मिला था, रादर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट दी परमवीर चक्र रेसिपियंट, मेजर सोमनाथ शर्मा. तो अगर आपको कभी इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिले एंड यू आर एबल टू ज्वाइन दी प्रेस्टीजियस इंडियन मिलिट्री अकेडमी, मी बीइंग पार्ट ऑफ इट, तो वहां पर एक सोमनाथ स्टेडियम भी है जिसका फोटोग्राफ मैं इस सेशन के एंड में आपको दिखाऊंगा अभी, तो जो इन्हीं के नाम पर रखा गया है. और एक कल भी हमने एक रिसेंटली एक नया लेसन अपलोड करा है जिसके अंदर हमने कैप्टन विक्रम बत्रा की जो परमवीर चक्र स्टोरी है उसको डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं. तो आने वाले दिनों के अंदर हम परमवीर चक्र के जो अलग अलग योद्धाओं को मिला, योद्धा ही है ये, जो अलग अलग इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को मिला है या फिर आपकी अदर रैंक्स को मिला है, जिन भी रैंक्स को मिला है उन सबको कवर करेंगे जिनको भी परमवीर चक्र मिला है, ताकि आप हाईली मोटिवेटेड रहे, आपको पता लगे भाई इन्होंने किस तरीके से अपनी बहादुरी दिखाई. ठीक है, तो ये जो मैसेज आप यहां पर देख रहे हैं ये लास्ट मैसेज था मेजर सोमनाथ शर्मा का, हु वाज इंडियाज फर्स्ट परमवीर चक्र. सो एनिमी इज ओनली 50 यार्ड्स फ्रॉम अस, वी आर हेवीली आउटनंबर्ड, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, आई शॉल नॉट विड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड. आप परमवीर चक्र जिनको भी मिला है उनकी लास्ट कमेंट्स देखेंगे, चाहे आप सब लेफ्टिनेंट खेत्रपाल की स्टेटमेंट्स देखें, इसी तरीके की स्टेटमेंट्स आपको देखने मिलेंगे कि वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे भले ही उनको देश के लिए अपनी जान न्योछावर करनी पड़े. तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही था, सिर्फ 50 यार्ड्स की दूरी रह गई थी. और जैसा कि अभी बैटल ऑफ सारागढ़ी में जो केसरी पिक्चर आ रही है अक्षय कुमार की, जहां पर 21 जो सिख फाइटर्स थे आपके, देवर अगेंस्ट 10,000, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वॉज शोन बाय नन अदर देन मेजर सोमनाथ शर्मा, हेविली आउटनंबर्ड, इतने सारे लोग. पूरी कहानी को भी हम आगे देखेंगे, ये तो बस पहली कमेंट है. और हाईली डिवास्टेटिंग फायर आ रहा है, बस उस सिचुएशन के अंदर भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपना धैर्य नहीं खोया और लड़ते रहे और इवेंचुअली उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, और जिसके लिए उनको हिंदुस्तान का पहला परमवीर चक्र से भी नवाजा गया. ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ द परमवीर चक्र के अंदर मेजर सोमनाथ शर्मा की. तो लेगेसी ऑफ इंडियन आर्मी हीरोज इज अ वास्ट एंड वेरीड इन इटसेल्फ, इसमें कोई दोराय नहीं है. इस पूरे सीरीज के अंदर जो आपकी परमवीर चक्र की सीरीज चल रही है, अलग अलग योद्धा, अलग अलग इंडियन आर्मी के पर्सनल, चाहे और उसके बाद अगर किसी और को भी कुछ मिला उनको भी हम सारी चीजों को कवर करेंगे. अमंग द मेनी ब्रेव हार्ट्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ फॉर देयर मदर लैंड इज अ मैन हुज एक्शंस इन द बैटलफील्ड ट्रांसजेंडेड हीरोइज्म. ये हीरोइज्म से ऊपर बढ़ के है. मूवीज के अंदर हम एवेंजर्स देखते हैं और उसके बाद सुपरमैन, ही मैन, यू नो डिफरेंट एवेंजर्स देखते हैं या फिर आपकी जस्टिस लीग देखते हैं, बट दीज आर द रियल हीरोज, दीज आर द मच बियॉन्ड द हीरोज, दीज आर मच बियॉन्ड वॉरियर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ. ठीक है, तो अर्ली डेज में अगर बात करें तो इनका
जन 31 जनवरी 1923 में दात कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। जो खानदान था इनके, जो फैमिली थी, वो फौज में ऑलरेडी ही थी। पिताजी अमरनाथ शर्मा मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी, जिनको आगे चलकर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बने वो इंडियन आर्म्ड मेडिकल सर्विसेज के। तो पापा काफी, पिताजी इनकी काफी अच्छी पोजीशन पर थे इंडियन आर्मी में। घर में काफी सारे लोग फौज में थे, तो वही होता है जैसे फौज में कई बार होता है कि माहौल होता है, तो जेनली द आने वाली जनरेशन भी फौज को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा सर के साथ भी ऐसा ही हुआ। सो मेजर सोमनाथ शर्मा फैमिली हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ मिलिट्री सर्विस, जैसे कि उनके अंकल केडी वासुदेवा थे, जो जिनका ही डाइड डिफेंडिंग अ ब्रिज, मार्टियर हुए थे डिफेंडिंग अ ब्रिज ऑन द रिवर स्लिम अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द मालयान कैंपेन इन वर्ल्ड वॉर 2। तो उनके जो चाचा जान थे, जो उनके चाचा जी थे कैप्टन केडी वासुदेवा, उन्होंने भी मार्टियर हुए थे मालयन कैंपेन इन वर्ल्ड वॉर 2। सो वासुदेवास गैलेंट्री हैड मेड इट पॉसिबल फॉर हंड्रेड्स ऑफ हिज जवान्स टू क्रॉस ओवर टू सेफ्टी, अ फैक्ट दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मेजर शर्मा थ्रू आउट हिज करियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पिताजी फौज में इतनी बड़ी पोजीशन पे, उसके बाद कैप्टन केडी वासुदेवा जो उनके चाचा थे, उन्होंने मार्टियर रहे आपके मालयन कैंपेन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। तो काफी हाई मोटिवेशन होती है, जैसे हमारे घर के आसपास भी रहता है कि अगर किसी घर में बहुत ज्यादा सिविल सर्वेंट्स है, आसपास सिविल सर्विसेज वाले लोग ज्यादा रहते हैं, तो आप आईएएस आईपीएस की तरफ मोटिवेट हो जाते हो। कई बार डिफेंस का माहौल होता है तो आप डिफेंस के लिए बहुत मोटिवेटेड रहते हो। जब मैं ये लेक्चर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चों के जिनको इस लेक्चर से मोटिवेशन मिलेगा एंड दे माइट इवेंचुअली ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, डीपली इंस्पायर्ड बेस फादर एंड अंकल, जो आपके सोम थे, सोमनाथ शर्मा का जो पेट नेम था, उनके घर वाले और उनके फ्रेंड्स उनको सोम बुलाया करते थे, हैज ऑलरेडी डिसाइडेड कि भाई उन्होंने जिंदगी में बहुत पहले ही सोच लिया था भाई हमें तो फौज ज्वाइन करनी है और इसमें कोई दोराया ही नहीं है। ठीक है, तो हम जैसे फॉर इवन फॉर मी इवन इन माय स्कूलिंग डेज आई ऑलरेडी डिसाइडेड दी आई वुड ज्वाइन द इंडियन आर्मी, और ज्यादातर बच्चे जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ यही होता है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा भी कोई अलग नहीं थे, और उस वक्त इनको सोम बुलाया करते थे घर वाले और जो उनका पेट नाम था। तो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में उन्होंने डिसाइड कर लिया। स्कूलिंग बहुत ही बढ़िया जगह से करी उन्होंने, श्रेवुड्स कॉलेज नैनीताल, बहुत ही प्रीमियर स्कूल है वो इंडिया का, इसमें कोई दोरा ही नहीं है, और वहां पर एडमिशन मिलना भी बहुत बड़ी बात है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग फ्रॉम श्रेवुड कॉलेज, उन्होंने एनरोलमेंट ली प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज इन देहरादून, उससे बिफोर ज्वाइनिंग द रॉयल मिलिट्री कॉलेज एट सैंडहर्स्ट। आप देखिए इस वक्त आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाली टर्म्स यहाँ पर यूज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज बेसिकली प्रायर टू द इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले आपके मेजर सोमनाथ शर्मा सर ट्रेनिंग पर गए। ठीक है, उससे तभी इसलिए आप प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून की बात कर रहे हैं, एंड बिफोर ज्वाइनिंग द रॉयल मिलिट्री कॉलेज एट सैंडहर्स्ट। February 22, 1942 को सोमनाथ शर्मा को फॉर्मली कमीशन मिला। जैसे आप आईएमए से 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद पास आउट होते हैं, अगर आप डायरेक्ट एंट्री हैं तो, यानी कॉलेज के बाद अगर आप गए हैं, तो आपको फिर कमीशन हो जाते हैं कि भाई पास आउट होते हैं एकेडमी से, पीओपी होती है, और उस टाइम पर आपको उससे पहले ही पता होता है कि आपकी कौन सी बटालियन आपको मिलने वाली है। तो ये आपके कमीशन हुए थे 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट। ठीक है, और लेटर 4th बटालियन, मतलब 8th बटालियन 19 हैदराबाद रेजिमेंट, और लेटर ऑन आफ्टर द इंडिपेंडेंस द थिंग चेंज, लेटर ऑन ही केम इन टू 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट। और आपको पता होना चाहिए जो आपके फेमस मेजर गौरव आर्य सर है, वो भी कुमाऊं रेजिमेंट से ही आते हैं। ठीक है, सो लेटर 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड देन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक है, अगर उनके डिफेंस करियर की हम स्टार्टिंग डेज की बात करें, सो इनिशियली उनके करियर के अंदर जो अर्ली करियर फेज था, उन्होंने कर्नल के एस थिमैया के नीचे बताया। तो अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाने का मौका मिलेगा, वहां पे थिमैया बटालियन भी है। ठीक है, तो इसीलिए कर्नल के एस थिमैया जो है इज द ओनली इंडियन टू कमांड एन इन्फेंट्री ब्रिगेड इन बैटल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे वो 1957 से लेके 1961। तो आप देख लीजिए कि अगर आप इट्स समथिंग लाइक दैट कि अब अपना करियर स्टार्ट करें और करियर के अंदर ही आप इतने महान पुरुष है, इतने महान ऑफिसर के नीचे आपका पहला कार्यकाल निकले, तो लाजवाब ही कह सकते हैं, ऐसे लक भी अच्छा होना चाहिए। तो कर्नल के एस थिमैया, उनके नाम पर तो पूरी थिमैया बटालियन है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। सो ओनली इंडियन टू कमांड एन इन्फेंट्री ब्रिगेड इन बैटल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर
2 and Chief of Army Staff 1957 to 1961 during the Arakan operations in Burma. So from meritorious action in the face of the enemy, Somnath Sharma was awarded mention in the dispatches. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने शुरू में ही जो you know over the above officers होते हैं वो शुरू में ही उनकी performance देखने को मिल जाती है और Somnath Sharma ने mention in dispatches के अंदर ही दिखा दिया. ठीक है, Somnath Sharma was basically serving as a major later on in Delta Company और 4th Kumaon Regiment की Delta Company के वो major serve कर रहे थे जब हमारे जो नेबर है पाकिस्तान जो आज तक इन्वेजन करता हुआ आया है. अभी भी थोड़े दिन पहले उन्होंने अपने मिलिटेंट अटैक के थ्रू पुलवामा में हमारे इतने सारे जवानों को शहीद करा. उसके बाद बालाकोट हुआ. विंग कमांडर अभिनंदन सर, यू गाइस वुड बी नोइंग एवरीथिंग व्हाट हैपेंड एंड आई होप दैट द कमिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑफ विच एवर पॉलिटिकल पार्टी विल फाइंड अ गुड सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. ठीक है, विच एवर एंड आई फील अ स्टर्न सोल्यूशन. ठीक है, सो एनीवेज उस पर बाद में बात करेंगे. यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा सर के ऊपर वापस आते हैं. तो मेजर सोमनाथ शर्मा डेल्टा कंपनी को कमांड कर रहे थे 4th कुमाऊं रेजिमेंट की और तब पाकिस्तान ने इन्वेजन बोल दिया बस आजादी के कुछ दिन बाद या रादर कुछ महीने बाद 22 अक्टूबर 1947 बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग फर्स्ट ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट हैड बिगन बीइंग एयरलिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली पालम एयरपोर्ट टू श्रीनगर एयर स्ट्रिप थी. और उस टाइम पे श्रीनगर एयर स्ट्रिप को इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी क्योंकि देश को अभी अभी आजादी मिली थी. उसका एक फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा. सो मेजर शर्मा कंपनी को भी एयरलिफ्ट करा गया और श्रीनगर भेजा गया 31 अक्टूबर 1947 को. ठीक है, 31 अक्टूबर 1947. और बात यह है कि उस टाइम पर मेजर सोमनाथ शर्मा को फ्रैक्चर भी हो रखा था बट उन्होंने तब भी कहा भी फ्रैक्चर में मुझे कुछ नहीं सोचना, मेरे को देश के लिए देश को अभी मेरी जरूरत है, मैं जाके बैटल फील्ड पर लड़ूंगा. ठीक है, एट दैट टाइम मेजर शर्मा राइट हैंड वॉज इन प्लास्टर कास्ट ड्यू टू फ्रैक्चर ही हैड सफर्ड व्हाइल प्लेइंग हॉकी. तो हॉकी खेलते उनको फ्रैक्चर हो गया था बट और उनको एडवाइस दिया गया था कि भाई आप बैटल फील्ड रेडी नहीं हो, आप प्लीज बैटल में मत जाइए. बट उन्होंने उस एडवाइस को नहीं माना और बोला नहीं मैं जाऊंगा. सो दो ही वॉज एडवाइस रेस्ट ड्यू टू हिज इंजरी द मेजर इंसिस्टेड ऑन बींग इन द कंपनी इन द बैटल फील्ड एंड वॉज गिवन परमिशन टू कमांड हिज यूनिट. तो इवेंचुअली उनकी जिद थी कि नहीं मुझे जाना ही जाना है और वो गए भी. ठीक है, और ना कि वो गए, आगे आप देखिए वो क्या करते हैं. सो द मिशन वॉज सिंपल, बड़ा सिंपल मिशन था कि भाई कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, इनको किसी भी हालत में रोका जाए. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडियन आर्मी को कमांड दे दी गई. ठीक है, सो देयर मिशन वॉज सिंपल, होल्ड द वैली ऑफ कश्मीर, जितने भी इन्वेडर्स आ रहे हैं उनको रोका जाए, डिफेंड द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया. तो आप देख लीजिए कश्मीर का युद्ध कब से चला आ रहा है. सो टू डेज लेटर ऑन November 3rd एनिमी हैड रीच बडगाम, अ स्मॉल टाउन जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द श्रीनगर एयरफील्ड. बडगाम इज अ प्लेस वेयर आई हैव आल्सो बीन, आई हैव बीन पोस्टेड टू दिस प्लेस. कश्मीर जाने का अगर आपको मिलेगा, फौज ज्वाइन करोगे तो आपको 110% में श्योर हूं, आर्मी ज्वाइन करे तो जम्मू एंड कश्मीर तो इसमें ऑलमोस्ट लाइक अ कंपलसरी पोस्टिंग आती ही आती है. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच यूनिट यू आर एट द एंड ऑफ द डे. सो ऑन लर्निंग दिस, तो आपके ब्रिगेडियर LP बोगे सेन कमांडर ऑफ द 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड इन श्रीनगर इमीडिएटली डिस्पैच कर दिया आपके मेजर शर्मा और उसकी कंपनीज को बड़गाम में, एक छोटा सा टाउन था, कि ये जो रेबेलियस लोग आ रहे हैं, इन्वेडर लोग आ रहे हैं, आपके जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, इसको किसी भी हालत में रोका जाए और इस इंडिपेंडेंट स्टेट को बचाया जाए. ठीक है, स्मार्ट शर्मा, तो आप देखिए स्मार्ट शर्मा जी मेजर सोमनाथ शर्मा सर क्या करते हैं. सो मेजर सोमनाथ शर्मा बड़गाम पहुंचते हैं एट द फर्स्ट लाइट ऑफ November 3rd 1947 और अपने ट्रूप्स को सही फाइटिंग पोजीशन में इमीडिएटली सेटअप कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एनिमी मूवमेंट हैड बीन सीन नियर द बड़गाम विलेज बट मेजर शर्मा सरमाइज. तो मेजर शर्मा क्या करते हैं कि वो सारी सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह पढ़ लेते हैं. तो सो व्हाइल द रियल अटैक वुड कम फ्रॉम द वेस्ट, सो मेजर सरमाइज मेजर सोमनाथ शर्मा कहते हैं मूवमेंट इन द बड़गाम विलेज देखते हैं वाज मेंट टू डाइवर्ट अटेंशन व्हाइल द रियल अटैक फ्रॉम कम फ्रॉम द वेस्ट. तो यहां पर क्या हो रहे थे, आपके इन्वेडर दिखा रहे होते हैं कि भाई वो शायद ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन से आएंगे बट यहाँ पर सोमनाथ शर्मा जी समझ जाते हैं कि मेजर शर्मा समझ जाते हैं कि दीज पीपल वुड एक्चुअली कम फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन. कई बार होता है ना हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करी जाती है आपकी. ठीक है, आपको दिखाया कुछ और जाता है, करा कुछ और जा रहा होता है. तो यहाँ पर इन्वेडर्स भी यही करने की कोशिश कर रहे थे एंड इंडीड ही वाज राइट कि जो आपके इन्वेडर्स है दे वर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन. तो इट वाज 2:30 PM इन द आफ्टरनून, 2:30 बजे दोपहर के अंदर इन द आफ्टरनून 500 स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ ट्राइबल लश्कर्स
रेडर, जिनको रेडर्स बोला गया था, ट्राइबल लश्कर, दीज वर बेसिकली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सपोर्टेड बाय पावरफुल मोटार्स, पाकिस्तानी आर्मी के मोटार्स अटैक दी 50 इंडियन जवान ऑफ मेजर शर्मा कंपनी. आप देखिए 50 वर्सेस 500 है, 500 स्ट्रॉन्ग विद लॉट ऑफ पावरफुल मोटार्स एंड एमिनेशन एंड वॉट नॉट, और यहाँ पर आपके 50 हिंदुस्तानी जवान है जिनको लीड कर रहे हैं नॉन अदर देन मेजर सोमनाथ शर्मा. तो सराउंडेड बाय द एनिमी फ्रॉम थ्री साइड्स, फोर कुमाऊं बिगैन सस्टेनिंग हेवी कैजुअल्टीज फ्रॉम इंसोइंग मोर्टार बॉम्बार्डमेंट. तो भाई मोर्टार बॉम्बार्डमेंट से आपकी ऐसे फायरिंग करी जाने लगी, एक प्रोजेक्टाइल में जाता है ना आपका मोर्टार का जो शेल होता है, इस तरीके से हाई कैजुअल्टीज करने लगे जो आपकी 15 इंडियन जवान में है. तो आउट नंबर 7-1, शर्मा इमीडिएटली सेंट अ रिक्वेस्ट टू ब्रिगेडियर बोगी सेंड फॉर री इन्फोर्समेंट. तो शर्मा, मेजर शर्मा ने आपके ब्रिगेडियर बोगी को बोला कि भाई हमारी तो बहुत कैजुअल्टीज हो रही है, आप जल्दी से जल्दी री इन्फोर्समेंट भेजिए, नहीं तो वी माइट लूज दिस पोस्ट, हम बड़गाम की पोस्ट को लूज कर जाएंगे. और उस टाइम पे अगर हम बड़गाम की पोस्ट को लूज कर जाते हैं, बहुत चांसेस थे कि श्रीनगर भी हमारे हाथ से निकल जाता. ठीक है, मेजर शर्मा न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग ऑन टू हिज पोजिशन ऑल्सो. यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट करी, बट रिक्वेस्ट में दिक्कत क्या है कि जब तक री इन्फोर्समेंट आएंगी उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये श्रीनगर की एयरफील्ड थी. सो श्रीनगर एयरफील्ड वॉज द ओनली लाइफ लाइन द आर्मी हैड बिटवीन कश्मीर वैली एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया. और अगर मेजर सोमनाथ शर्मा उस टाइम पर उनको नहीं रोकते तो ये एयरफील्ड हमारे हाथ से निकल जाती है. अगर एयरफील्ड हमारे हाथ से निकल जाती तो हमारे प्लेन्स ही लैंड नहीं होते, तो ट्रूप्स कहां से आते, बेसिकली कश्मीर भी, श्रीनगर कश्मीर हमारे पूरे हाथ से निकल जाता है. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया हैड द एनिमी सीज द एयरफील्ड, दे वुड हैव बीन एबल टू ब्लॉक द इंडक्शन ऑफ इंडियन ट्रूप्स इनटू द वैली बाय एयर. तो भाई जब आपके जहाज एयर स्ट्रिप पे लैंड ही नहीं कर पाएंगे, तो आगे चल के युद्ध कहां से करेंगे आपका, समझ रहे हो आप. ठीक है, ये थी आपकी एक और फोटो, आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपकी एयर स्ट्रिप है. ओके, तो रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ही रैन फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट, ऑफन एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू डेंजर एज ही अर्ज्ड द कंपनी टू फाइट ब्रेवली. क्योंकि उनको ये रियलाइज हो गया था कि जो रीइन्फोर्समेंट्स है वो बहुत टाइम में आएंगी, जो उन्होंने ब्रिगेडियर बोगी को बोला, तो उन्होंने समझ गए वो कि अब उन्हें ही इस पोस्ट को बचाना पड़ेगा, नहीं तो बड़गाम की पोस्ट गई तो बड़गाम की पोस्ट के बाद एयर स्ट्रिप भी चली जाएगी. सो टू फॉरवर्ड प्लेटून्स हैड ऑलरेडी फॉलन, बट द मेजर शर्मा इंश्योर्ड दैट हिज कंपनी क्लंग टू हिज पोजीशन टेनियसली इवन अंडर हाई फायर, हैवी फायर. तो यहां पर आपका, तो यहां पर मैंने एक शब्द यूज करा है टेनियसली. ठीक है, टेनियसली का मतलब होता है जो जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है. ये आपके एंटोनिम और सिनोनिम्स में भी पूछा जा सकता है. तो यहां पर जब भी कोई ऐसी चीज आएगी जो एग्जाम ओरिएंटेड भी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो टेनियसली सब इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है कि उसका मतलब है जो जिद्दी होता है. ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, मेजर सोमनाथ शर्मा ने सोच लिया भाई चाहे कितनी भी हैवी फायर हो, चाहे हमारे नंबर कितने भी कम हो, अगर हमारा वो 500 है और हम 5 हैं, चाहे कोई भी रेशियो, चाहे 1:7 का रेशियो, हम इनसे लड़ेंगे. और इसके लिए उन्होंने ठान लिया. ठीक है, और वो लड़ते भी रहे. तो अदर देन स्किलफुल डायरेक्टिंग फायर ऑफ हिज ट्रूप्स ऑन टू द एवर एडवांसिंग एनिमी, मेजर शर्मा हिमसेल्फ टुक अप द टास्क ऑफ फिलिंग मैगजीन एंड इशूइंग देम टू द लाइट मशीन गनर्स. तो आप देखिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, यानी कि अगर ये उनकी एरिया है जहां पर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यहां से वहां वो भाग रहे हैं और भाई जो भी आपकी एलएमजी है उसकी मैगजीन्स को फिल कर रहे हैं, बिकॉज ही नो द नंबर्स आर लेस, काफी सारी कैजुअलिटीज हो गई है, बट ही नोज दैट ही हैज टू स्टॉप दीज पीपल. ठीक है, सो इवन दो ही हिमसेल्फ वॉज हिंडर्ड बाय फ्रैक्चर्ड आर्म, जरा सोचिए फ्रैक्चर्ड आर्म भी है उनका, फ्रैक्चर्ड आर्म भी है और वहां पर इतने सारे लोग हैं जो आप पे चढ़ाई कर रहे हैं, तब भी वो लड़ रहे हैं. ठीक है, ही इज नॉट स्टॉपिंग, ही इज नॉट गिविंग अप, एंड दैट इज वाई यू गेट परमवीर चक्र, एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड एन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू डू. ठीक है, ही वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट द कैजुअलिटीज डिडंट अफेक्ट द स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हिज लाइट ऑटोमेटिक गनर्स. ठीक है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, वो एलएमजी के अंदर अपनी एमिनेशन डाल रहे हैं, वॉट एवर पॉसिबल वे, अपने एक हाथ उनका टूटा हुआ है तब भी सारी चीजें कर रहे हैं. और ये आपका जो देख रहे हैं, ये आपका लास्ट मैसेज था जो मेजर सोमनाथ शर्मा ने हेडक्वार्टर्स को भेजा, जो हमने अपनी जब लेसन स्टार्ट करा था. एनिमी आर ओनली 50 यार्ड्स फ्रॉम अस, वी आर हेवीली आउट नंबर्ड, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर. ठीक है, घमासार फायर हम पर है, सिर्फ 50 यार्ड्स पर हमारे दुश्मन खड़ा हुआ है. आई शुड नॉट विदड्रॉ इंच, बट वी विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड टू द लास्ट राउंड, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ही एक्चुअली डिड दैट टू.
है, तो सून आफ्टर मेजर सोमनाथ शर्मा एक मोर्टार शेल एक्सप्लोजन के अंदर मार्टियर हुए, वो फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रेथ टू स्टेम द टाइड ऑफ द एनिमी एडवांस एंड हिज सैक्रिफाइस एक्चुअली डिड नॉट गो इन वेन बिकॉज आपकी इवेंचुअली री इन्फोर्समेंट आ जाती है और दुश्मन को हम रोक पाते हैं. सो इंस्पायर्ड बाय देयर की जो सोमनाथ शर्मा की गैलेंट्री थी, जो बाकी ट्रूप्स थे वो भी आपके लड़ रहे थे, गैलेंट्री एंड टेनासिटी, सोल्जर कंटिन्यूड द फाइट एनिमी फॉर 6 आवर्स. मेजर शर्मा का जब देहांत हुआ, मार्टियर हुए, और ये जो 6 घंटे का गैप था ना, ये 6 घंटे का गैप, ये 6 घंटे का गैप, 6 घंटे का, यही इंपॉर्टेंट था लेडीज एंड जेंटलमैन. इसी 6 घंटे गैप की वजह से जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला, हमारी इन्फोर्समेंट पहुंच पाई. ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कुमाऊं रेजिमेंट का मैंने इंसिग्निया भी लगाया है, द स्पिरिटेड डिफेंस ऑफ द 4th कुमाऊं रेजिमेंट. तो द स्पिरिटेड डिफेंस बाय द 4th कुमाऊं रेजिमेंट डिलेड द एनिमी फॉर 6 क्रूशियल आवर्स, जो 6 इंपॉर्टेंट घंटे थे, दस गेनिंग टाइम फॉर री इन्फोर्समेंट टू गेट इन पोजिशन. तो वो जो आपके ब्रिगेडियर बोगी साहब कह रहे थे, इवेंचुअली वो इन्फोर्समेंट आ पाई, बट वो 6 घंटे का जो कार्यकाल था, 6 घंटे का जो समय था, जो आपकी 4th कुमाऊं रेजिमेंट ने दिया हमारे देश को, जिसकी वजह से आज उस दिन हमारे पास बड़गाम था और आज हमारे पास पूरा श्रीनगर और कश्मीर है, जितना भी हमारे पास कश्मीर है, और वो भारत की भलाई है कि हम आज पीओके पर अभी तक हमने अपना वो हिस्सा वापस नहीं लिया है. द डे द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड्स प्रोबेबली इट विल बी बैक विद अस. सो एनीवेज, however with by the time the relief of the 1st battalion kumaon regiment reached badgam, the position had suffered heavy damage also. So major somnath sharma ke sath ek junior commissioned officer jco and 20 other soldiers of d company of 4th kumaon jo regiment the, they were killed and martyred in the battle. Despite the fact that the 4th kumaon had suffered over 20 casualties it had inflicted, but jitne matlab jitne wo 50 log the, jitni damage, 20 casualties unki hui thi, but jitni damage unhone aapke pakistanis par kari, aapke invaders par kari, wo kafi zyada thi. So raiders jo the, they have lost over 200 men and their leaders ko incapacitate kar diya, resulting in their movement losing jo uska initial impetus tha, jo uska initial force tha, vigor tha in invaders का, उसका खात्मा कर दिया, उसका निस्त नाबूद कर दिया मिस्टर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी डी कंपनी ऑफ 4th कुमाऊं रेजिमेंट ने. तो दिस आल्सो बॉट टाइम फॉर एडिशनल इंडियन ट्रूप्स टू लैंड एट द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पे लैंड हुए, रीइंफोर्समेंट हुई और हमें अपनी जमीन मिली वापस. सो लेड बाय इनक्रेडिबली कॉरेजियस मेजर सोमनाथ शर्मा, 4th कुमाऊं रेजिमेंट वाज प्रिवेंटेड फॉल ऑफ श्रीनगर एंड आर्ग्यूएबली द कश्मीर वैली. ठीक है, उसके बाद फॉर हिज सेल्फलेसनेस, डॉग डिटर्मिनेशन जो उन्होंने दिखाई, खासकर फेस ऑफ एनिमी में और वो भी वॉर टाइम के अंदर, मेजर सोमनाथ शर्मा को पोस्थमसली यानी मरणोपरांत अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र. ठीक है, कौन सा दिया गया? परमवीर चक्र. पीस टाइम का आपका हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? अशोक चक्र. वॉर टाइम का परमवीर चक्र और पीस टाइम का अशोक चक्र. सो सोल्जर लाइक मेजर सोमनाथ शर्मा आर नॉट बॉर्न एवरी डे एंड देर इज नो सेकेंड थॉट ऑन इट, कि ऐसे सोल्जर्स, ऐसे ऑफिसर्स हर दिन जन्म नहीं लेते हैं. सो सैक्रीफाइस ऑफ दिस हीरोइक वॉरियर मस्ट बी फॉर एवर बी रिमेम्बर्ड विद ग्रेटिट्यूड. और ऐसे ही लोगों को हमें श्रद्धांजलि हर समय देती रहनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम जो आजादी का स्वाद चख रहे हैं, हम चख पाते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये उनकी साइटेशन थी जो आप देख रहे हैं, उनकी ऑफिशियल साइटेशन थी जो उनको मिली थी. अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखने को भी मिलेंगे. उनकी साइटेशन पे लिखा था, हिज लीडरशिप गैलेंट्री एंड टेनेशियस डिफेंस. टेनेशियस शब्द का मतलब मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, मेन वर इंस्पायर्ड टू फाइट द एनिमी आउट नंबरिंग देम. मेजर शर्मा सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड क्वालिटी सेल्डम इक्वल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्मी लेडीज एंड जेंटलमैन एंड देर इज नो सेकेंड थॉट्स अबाउट इट. और ये कुमाऊं रेजिमेंट का इंसिग्निया भी आप देख सकते हैं. ठीक है, और अगर आप ये देखेंगे, ये न्यूली कमीशन ऑफिसर टेकिंग ओथ एट इंडियन मिलिट्री अकेडमी सोमनाथ स्टेडियम में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओथ लेते हुए. मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो बहुत सारे बच्चे डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा शुभ दिन, ऐसा ब्यूटीफुल दिन आपकी जिंदगी में भी आए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, थैंक्स गाइस. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. नाउ वील कैच अप इन द नेक्स्ट लेसन एंड अगले परमवीर चक्र स्टोरी पर बात करेंगे. बाय बाय गाइस.